इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स 2018 में भारत की तरफ से राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन को एंट्री मिली थी। न्यूटन फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी में शामिल किया गया था, पर हाल ही में यह खबर आई है कि राजकुमार राव की फिल्म अब रेस से बाहर हो चुकी है। इस बात की पुष्टि द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने गुरुवार को की है। तेलुगु प्रोड्यूसर सीवी रेड्डी की अध्यक्षता में बनाए गए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा था कि न्यूटन को कमेटी ने 26 एंट्रीज में से सर्वसम्मति से चुना गया है। बता दें कि राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन 22 सितंबर को रिलीज की गई थी। इस खबर को राजकुमार राव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, इस खबर को आपके साथ शेयर करके काफी खुश हूं। इस साल ऑस्कर के लिए न्यूटन भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री है। पूरी टीम को शुभकामनाएं। न्यूटन के इस फिल्म से बाहर हो जाने के बाद अब इस लिस्ट में डॉलर फैंटास्टिक वुमन, चिल्ली, इन द फेड, जर्मनी, ऑन बॉडी एंड सोल, हंगरी, फॉक्स एट चॉट, इसराइल, द इंसल्ट, लेबनान, लवलेस, रूस, फेलिसिटे, सेनेगल, द वुंड, साउथ अफ्रीका और द स्क्वायर, स्वीडन फिल्मों ने अपनी जगह बनाए हुए हैं। न्यूटन फिल्म के डायरेक्टर अमित मासूरकर हैं। इस फिल्म की कहानी सरकारी क्लर्क की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में राजकुमार स्वतंत्र और ठीक तरह से नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव करवाने की भरपूर कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, रघुबीर यादव, अंजलि पाटिल, दानिश हुसैन और संजय मिश्रा भी लीड रोल में हैं। बता दें कि इस फिल्म को आलोचकों, समीक्षकों के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी काफी सराहा था। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि न्यूटन आंख खोलने वाली फिल्म है और इसे देखना चाहिए।